तो चलिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि सोडा लाइम प्रोसेस से प्रोपेन बनाने के लिए इन गिवन कंपाउंड्स में से किस कंपाउंड को यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। हम सोडा लाइम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और हमने अभी पढ़ा है कि एसिड या फिर एसिड सॉल्ट को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। तो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड यानी सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक कम कार्बन वाला अल्केन मिलेगा जो कि मीथेन होगा। वहीं अगर हम सोडियम प्रोपेनोइड को रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक कम कार्बन वाला अल्केन यानी कि दो कार्बन वाला अल्केन जो कि इथेन होगा। वहीं अगर हम सोडियम ब्यूटेनोइड का डिकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो हमें तीन कार्बन वाला अल्केन मिलेगा जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। और अगर हम सोडियम पेंटेनोइड का डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो हमें चार कार्बन वाला अल्केन मिलेगा जो कि ब्यूटेन होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें प्रोपेन बनाना था जो कि हमें ऑप्शन सी से मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अब तक हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है उसे समराइज कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और हमने अल्केन बनाने के कुछ मेथड्स पढ़े, जिसमें पहला मेथड था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कैटालिटिक रिडक्शंस, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं। और हमने मैकेनिज्म में यह देखा है कि पाई बॉन्ड में दोनों हाइड्रोजन एटम्स सेम साइड से ऐड होते हैं, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का एडिशन एक सिन एडिशन होता है। इसके बाद हमने वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम अल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ इथ्रियल मीडियम में रिएक्शन कराते हैं और हमें हायर अल्केन्स एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। इस मेथड की हेल्प से हम सिमेट्रिकल अल्केन्स को बहुत अच्छे यील्ड में बना सकते हैं, वहीं अनसिमेट्रिकल अल्केन्स उतने अच्छे यील्ड्स में नहीं बनते। हमने पढ़ा है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन या फिर सोडा लाइम प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिससे हमें अल्केन्स मिलते हैं। और इस रिएक्शन के हेल्प से हम अनसिमेट्रिकल अल्केन्स को भी बहुत अच्छे यील्ड्स में बना सकते हैं। इस रिएक्शन को स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि बनने वाले प्रोडक्ट में कार्बन एटम का नंबर कार्बोक्सिलेट ग्रुप में प्रेजेंट कार्बन एटम के नंबर से एक कम होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, जिसमें हम एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और हमें अल्केन्स मिलते हैं। यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट में कार्बन एटम्स का नंबर कार्बोक्सिलेट आयन के अल्काइल ग्रुप में प्रेजेंट कार्बन एटम्स के नंबर का ट्वाइस होता है। अब तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।